अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नायरा रिव्यू एंड ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ कुछ ड्रेसों का जो कि मैंने अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। ये इसकी पैकेजिंग है। इसमें मुझे 3 ड्रेस एक साथ रिसीव हुए थे, एक ही साथ मैंने उसे ऑर्डर किया था, तो एक ही साथ मुझे इसमें ही वो इसी पैकेज में मुझे वो रिसीव हुए थे। ये देखिए, जिस पैटर्न में ड्रेस है उसी पैटर्न को यहाँ पर बनाया गया है ये कपड़े को, तो पैक ऑफ 3 लिखा है। तो ये मुझे 3 का सेट एक ही पैकेज में मुझे रिसीव हुआ था। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी प्रोडक्ट। तो फ़िलहाल ये पैकेजिंग है और बॉक्स भी था। बॉक्स को मैंने ओपन करके कहीं रख दिया है, पता नहीं मिल नहीं रहा है, तो मैंने इस पैकेज को आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस पैकेज में मुझे 3 पीसेस रिसीव हुए थे, जो कि 1 पीसेस मैंने है रखा हुआ, ये न्यू वैसे ही रखा है। 2 पीसेस को मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं आपको फर्स्ट न्यू वाला दिखा रही हूँ जो कि मैंने रखा हुआ था, तो जिसमें से एक ये है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये प्रोडक्ट जो है, ये ड्रेस मैंने यूं ही न्यू ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये इस पर इस तरीके से आगे प्रिंट है। 3 से 6 मंथ बेबी के लिए मैंने मंगाया है। फ़िलहाल मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन मैंने 3 से 6 मंथ मंगाया, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बड़ा मंगा के ही चलना चाहिए। तो दूसरा जो है वो ये है और तीसरा ये है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड कलर ड्रेस की, जो कि ये आपको सामने दिख रहा है। तो ये इस पैटर्न में है, यहाँ आपको बटन अटैच मिलता है लगाने के लिए। इस तरीके से आपको 3 बटन को लगा देना है बेबी को वेयर करा के, ड्रेस पहना के। यहाँ मैंने 3 से 6 मंथ बेबी के लिए मंगाया है, तो मैंने थोड़ा बड़ा ही मंगाया है क्योंकि मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा ही मंगा के चलना चाहिए। तो ये इस पैटर्न में है, आप देख रहे हैं वाइट कलर के फ्लावर्स बने हैं इसमें। लेकिन इस ड्रेस में क्या हुआ कि धोने के बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो ये आफ्टर वॉश रिव्यू भी मैं आपको दे रही हूँ। इसे धोने के बाद इसमें से कलर निकला है जो कि वो ड्रेस में लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं और दिखाऊँगी अंदर साइड में भी पूरा कलर। ये देखिए, तो ये रेड 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 पूरा लग गया है अंदर साइड में लग गया है। बाहर से तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से लग गया है पूरा कलर। और ये दूसरा ड्रेस है जो कि इसमें से कोई कलर नहीं छोड़ा है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कलर, रेड कलर जो लगा हुआ है, ये कलर उस ड्रेस की वजह से लग गया है, क्योंकि धोया तो साथ में नहीं था, लेकिन टांग दिए हमने साथ में थे, तो वो तार पे एक साथ अटैच हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कलर इसमें भी लग गया है वो रेड वाले ड्रेस का। तो फ्रेंड्स, ये भी 3 से 6 मंथ बेबी के लिए, मतलब ये तो 3 साथ में आए हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही साइज़ होगा। तो ये 3 एक ही साइज़ के मैंने 3 से 6 मंथ बेबी के लिए ये ऑर्डर किया था, और वही मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है अटैच करके, 3 में सेम ही इधर आपको इस टाइप के बटन मिलेंगे जो कि आप बेबी को वेयर करा के फिर आराम से इसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस तरीके से पैटर्न है इसका। बैक में भी सेम फ्लावर, सेम प्रिंट वगैरह सब कुछ मिलेगा, इसमें से कलर आपको नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप इसे बाय करेंगे तो रेड कलर को आप अलग धोना और अलग ही सुखाना, तो फिर वो ठीक है, आगे से चलेगा। ज़्यादा कलर उसमें छोड़ा था, लेकिन वो पूरा मतलब कलर जो उसका डीप नहीं हुआ, हल्का बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अलग धोएंगे, अलग से सुखाएंगे, तो आप यूज़ में उसे ले सकते हैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने तीसरे ड्रेस पे जो कि मैंने न्यू रखा था। मैंने आगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, लेकिन मैं फिर बता दूं, तो ये जो है मैंने न्यू रखा है, बिल्कुल भी इसमें से कलर तो छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि कलर नहीं छोड़ेगा। इस टाइप का ये पैटर्न है, आपको बटन इधर लगाना है अपने बेबी को वेयर करके। ड्रेस ये प्यारी सी प्रिंट फ्लावर बनाई गई है, बहुत ही सॉफ्ट, 3 का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है बेबी के लिए, तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज़ किया गया है। 100% कॉटन, मेड इन इंडिया, 3 से 6 मंथ के लिए ये है, फिर से बता दूं। और यहाँ पे भी एक बटन अटैच है, 3 में बटन अटैच आपको मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, प्रिंट वगैरह बहुत ही अच्छा इसमें यूज़ किया गया है। बहुत ही अच्छा वो ड्रेस लग रहा है, और बेबी को वेयर कराने में भी, वेयर करके भी अच्छा लगेगा, और बहुत ही सॉफ्ट है। बेबी की स्किन के हिसाब से
क्वालिटी जो है इसकी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है। वैसे मैं सोच रही थी मैं बेबी हग से मंगाऊं, लेकिन फिर मैंने उस पर मुझे कुछ खास अभी समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे इसका पैटर्न अच्छा लगा तो, लेकिन क्वालिटी भी उसकी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने मंगाया था ये दो पेयर पैंट अपने बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो ये मैंने न्यूबॉर्न के ही साइज़ में ऑर्डर किया था, तो दो का पेयर मुझे मिला था, एक ये है और एक रेड कलर है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों तरफ इलास्टिक लगा हुआ है, बेबी हग से मैंने मंगाया, साइज़ आप देख सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत इसमें प्रिंट बना हुआ है फ्लावर का, बहुत ही सुंदर, इसमें से कोई कलर नहीं छोड़ेगा। ये देखिए ये नीचे से एकदम क्लोज है, बंद है, कि बेबी को आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए अच्छा होता है, उन्हें नहीं चलना है ना घूमना फिरना है, बस सोए रहना है। तो ठंड भी, बेबी को गर्मी में भी ठंड लग जाती है, इसलिए ये बहुत ही सेफ़, बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से ये पैंट है जो कि आप बेबी को वेयर करा सकते हैं, आराम से मालिश वालिश करा के पहना के सुला सकते हैं, ताकि वो वॉर्म भी महसूस करें, गर्म भी, और मतलब ठीक रहे। तो बैक भी जो है इसका सेम है, और प्रिंट वगैरह भी आप देख सकते हैं सेम ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया है, ब्लू रेड येलो, बहुत ही अच्छा। तो एक ये मैंने लिया था रेड कलर जो कि मैं भी आपको दिखा रही हूँ, तो ये है रेड कलर, जहाँ पे आपको पीछे थोड़ी मतलब इलास्टिक तो है, बैंड वाली इलास्टिक है इसमें, बैंड टाइप के पीछे देखिए थोड़ा सा चून दिया गया इलास्टिक जैसा, और आगे पूरा रोल करके ये बैंड टाइप का मतलब इलास्टिक ही है लेकिन बैंड है। और ये देखिए सामने इसके प्रिंट बना हुआ है बेस्ट फ्रेंड्स एवर, तो बहुत ही प्यारा रैबिट बने हुए हैं दो प्रिंट करके। अब बाकी तो पूरा सिंपल पूरा प्लेन है, मतलब आप इसे बहुत सारे टॉप के पे अपने बेबी को पहना सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, पीछे से भी ये बैक से भी आपको सेम ही रेड कलर, कोई प्रिंट वगैरह कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं मिलेगी, बिल्कुल ही प्लेन, बिल्कुल ही रेड कलर इसका रिसीव हुआ है। तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है फ्रेंड्स इसका, मुझे सारे ही बहुत ही अच्छे लगे हैं और बहुत ही अच्छे रिसीव हुए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।